दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम फिर से आए हैं एक बार डीजल लोको शेड में और देखने वाले हैं कि क्या किसी चीज और फर्दर प्रोसेस में बताई जाती है। अगर आपने डीजल लोको शेड का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। आज हम डीजल लोको शेड का पार्ट टू बनाने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने ये बताया था कि LSR मतलब लाइट शेड्यूल रिपेयर क्या होता है। इस पार्ट में हम आपको ये बताने वाले हैं कि HSR और MSR मतलब हैवी शेड्यूल रिपेयर और मीडियम शेड्यूल रिपेयर या फिर मिडिल शेड्यूल रिपेयर में क्या कैसी चीजें होती है। तो आगे की नॉलेज के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसका कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला, और उसका फायदा सबसे बड़ा ये होने वाला है कि जब भी हम कोई नई वीडियो पोस्ट करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। बने रहिए इस वीडियो के साथ, आइए चलते हैं। हेलो एवरीवन, अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप डीजल लोको शेड पार्ट वन देख सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू। MSR section. MSR कैसे जाएगा? इंजन जिसको हम इंजन बोलते हैं, इंजन तो एक पूरा का पूरा ये रहता है, तो उस इंजन को जो आगे बढ़ाने का काम करता है दैट इज दिस इंजन। आप देख सकते हैं कि स्लांट लाइन टाइप की बनी हुई है, एक्चुअली इट इज कॉल्ड वी शेप सिलेंडर। ओके, वी शेप इंजन होता है जहाँ पे एक वी साइड की ये लाइन है, पीछे साइड एक दूसरी लाइन है। इट इज बेसिकली 16 सिलेंडर इंजन होता है जहाँ पे 8 सिलेंडर उसके इस साइड होते हैं, 8 सिलेंडर उसके उस साइड होते हैं। आगे चलिए, बहुत बड़ा इंजन है, देखते हैं क्या कैसा होता है। कटनी इट इज MSR मीडियम शेड्यूल रिपेयर। यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी पार्ट्स जो कि हम कह सकते हैं आधे से ज़्यादा पार्ट्स यहाँ पर ओवरहॉल हो जाते हैं इंजन के, ठीक है, बदल दिए जाते हैं, जो कि बहुत समय जिनका वो होता है। ये हम इंजन के अंदर देख सकते हैं, केबिन व्यू है ये इंजन का, डीजल इंजन का ये कैबिनेट है, ठीक है।
ये मोस्टली जब इंजन 10 से 12 साल का हो जाता है तब इस शेड्यूल रिपेयर को किया जाता है। ये सिर्फ उसी डीजल लोको शेड में होता है जहाँ का ये इंजन है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कोई और जोन का इंजन नहीं दिखाई देगा, यहाँ पर सिर्फ आपको कटनी के ही इंजन दिखाई देंगे। जो डीजल लोको शेड कटनी के इंजन है, NKJ के हैं, वही यहाँ पर दिखाई देंगे, बाकी पुणे अदर झांसी अदर दूसरे उसके नहीं देखेंगे। जैसे ये देखिए न्यू कटनी जंक्शन का इंजन है, इसके सामने ये आर लिखा हुआ है। आर का मतलब है ये 18 ईयर्स की लाइफ अपनी कंप्लीट कर चुका है, ये सेकेंड MSR के लिए यहाँ पर आया है। ये DMW में होती है रीबिल्डिंग, आर का मतलब है रीबिल्डिंग, जो कि DMW पटियाला में होती है जब इंजन अपनी 18 साल की लाइफ कंप्लीट कर लेता है। टोटल इंजन की लाइफ जो होती है वो 36 साल होती है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कुछ पार्ट्स बदले जाते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ जितने भी पुराने पार्ट्स होते हैं काम के बिल्कुल भी नहीं रहे या फिर जो पुराने हो चुके हैं जिनको बदलने की जरूरत है, जिससे हम लोगों को लेकर एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, वो सारे के सारे पार्ट यहाँ पे बदले जाते हैं। और इसमें एक बहुत स्पेशल चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस भी लोको शेड का इंजन होता है, HSR की जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो सिर्फ उसी डीजल लोकोमोटिव में करी जाती है, उसी सेक्शन में करी जाती है। MSR या फिर LSR जितनी भी चीज है वो तो किसी दूसरे सेक्शन में भी करी जा सकती है, लेकिन जो HSR है अगर उसका लोकोमोटिव है तो ही वहाँ पे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। एक बार चल के देखते हैं और जैसे आपको समझ आएगा क्या प्रोसेस है। ये देख सकते हैं आप इंजन है, इसके पीछे जैसे मैंने अभी आपको बताया था दैट इज अ 16 सिलेंडर वी शेप इंजन पीछे लगा हुआ है। अभी इंजन के पूरे पार्ट को खोल दिया गया है, काफी अजीब भी लग रहा है थोड़ा सा देखने में और काफी अच्छा भी लग रहा है, एक नया एक्सपीरियंस आप लोगों को मिल रहा है। एंड गाइस ट्रस्ट मी, एक बार मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि एक बार आके जरूर देखें, क्योंकि वीडियो में देखना और लाइव में देखने में थोड़ा अंतर होता है और एक एक्सपीरियंस आपको नया मिलता है, एक नॉलेज आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। जो पार्ट आप देख रहे हैं ये रेडिएटर है, यहाँ पर रेडिएटर फैन ऊपर लगा हुआ होता है, यहाँ पर रेडिएटर फैन, ठीक है, ये निकाल दिया चुका है। यहाँ पर होता है हमारा कंप्रेसर, ठीक है, ये यहाँ से भी ओवरहॉल कर दिया गया है। ये सेक्शन जो है वो इंजन सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पर इंजन का भी मोस्ट ऑफ द पार्ट्स निकाल दिए गए हैं, देख सकते हो आप। ये इंजन है हमारा, इसकी ओवरहॉलिंग हो चुकी है, ठीक है, खाली इंजन खड़ा हुआ है यहाँ पर HSR। इसको थोड़े समय के बाद पूरे के पूरे नए पार्ट्स लगा दिए जाएंगे इसमें, जैसे कि आप यहाँ पर कैबिनेट देख सकते हो, कैबिनेट का अधिकतर सारे के सारे पार्ट्स बदल दिए जाएंगे। अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो वो इंस्टॉल कर दी जाएगी यहाँ पर डीजल लोको शेड में, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सारे के सारे एल्को मॉडल्स खड़े हैं, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर T1 T2 कैरी आउट हो रहा था दैट इज LSR एंड MSR, वहाँ पर आप देख रहे होंगे ओवरहॉलिंग के सेक्शन में भी आपने देखा होगा कि वहाँ पर EMD कोचेस दिख रहे थे, हमें EMD वाले लोकोमोटिव्स दिख रहे थे जिनमें बोथ साइड केबिन थे, सिंगल साइड केबिन भी थे। मगर यहाँ पर आप देख सकते हो सारे के सारे एल्को मॉडल्स रखे हुए हैं, इनके ओवरहॉलिंग कुछ की हो चुकी है और कुछ की चल रही है। बहुत ही बड़ा सेक्शन है, आप इंडियन रेलवेज में कहीं भी घूमोगे मगर आप ऐसा एक्सपीरियंस जो डीजल लोको शेड में आप देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार का मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा एक्सपीरियंस शायद ही आपको कहीं और मिले, क्योंकि आपने रेलवे में हमेशा सफ़र किया है, ट्रेन में सफ़र किया है, कभी भी आपने इन सब चीज़ों के बारे में देखा नहीं है, सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ही देख पाते हैं। तो जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि डीजल लोको शेड कटनी आए या कोई से भी डीजल लोको शेड जाए इंडियन रेलवेज के जोन्स के, आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा, आपके नॉलेज बहुत इंप्रूव होगा।